इंडिया फोन्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए एक महीना हो चुका है एंड आज हम आ चुके हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू के साथ, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, क्या एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग दिस वन मंथ, बैटरी बैकअप, चार्जिंग टाइम कितना है, आउटडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस, इनडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस एंड क्या ये बजट एनसीए फोन्स आप लोग के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो इनिशियली अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखी थी, काफी नेगेटिव पॉइंट मैंने बोले थे इन ईयरफोन्स के बारे में, जो कि कुछ हद तक सही भी है। चलिए बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे टोपे बोट की ब्रांडिंग मिलती है, सामने के एलईडी इंडिकेटर, पीछे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जो पूरी बिल्ट है प्लास्टिक है, टेक्सचर आपको रफ मैश का कॉम्बिनेशन मिलता है, हैंड सेक्शन यहाँ पे आपको काफी लूज देखने को मिल जाएगा एंड वो स्टडी भी नहीं है। ओवरऑल ईयरफोन्स आपके इनसाइड प्लेस है बट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। बर्ड्स की बात करते हैं, ये आते हैं काफी यूनिक डिजाइन के साथ, जहां पे मेटेलिक एंड मैट दोनों फिनिश का यूज किया गया, जहां पे बोट की ब्रांडिंग, डुअल माइक्रोफोन सपोर्ट ऑन ईच ईयर बर्ड्स एंड ये इंजीनियर डिटेक्शन सपोर्ट करते हैं, जो कि इनिशियली इनका एक पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए था, बट स्टार्टिंग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा ईयरफोन्स के साथ वो काफी पैथेटिक था। मतलब हेड की मूवमेंट भी अगर इस टाइप से हो रही है तो भी ये ईयरफोन्स वो चीज को इन ईयर डिटेक्शन में कंसिडर करके आपका म्यूजिक प्ले एंड पोज करते रहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई 10-15 दिन बाद वो दिक्कत हो चुकी थी सोल एंड अभी इन ईयर डिटेक्शन को लेकर यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो 80% तक कम हो चुके हैं। अभी भी परफेक्ट नहीं है बट यार काफी हद तक ये इम्प्रूव हुआ है। I don't know how boat manage that, but यही सच्चाई है। IPX5 मिलता है, आप जिम जॉगिंग के लिए इनको यूज कर सकते हैं, बट कम्फर्ट लेवल कितना है, मैक्स टू मैक्स 3-4 आवर के लिए आप लोग के लिए कम्फर्टेबल रहेंगे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि एयर टेप्स उतना बेटर फिटिंग नहीं दे पाती एंड उतना बेटर कम्फर्ट आपको नहीं दे पाती, सो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम डिसकम्फर्ट फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ईयर पेन, इचीनेस, तो इस टाइप से दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएंगी, बट स्टिल रिकमेंडेड है आप इसको शॉर्ट सेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिम जॉगिंग के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल है फोन्स। कनेक्टिविटी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं, 5.3 की कनेक्टिविटी है, रिलायबल कनेक्टिविटी है, मैनुअली आपको इनको पेयर करना पड़ेगा एंड 10-15 मीटर की ब्लूटूथ कवरेज के साथ ये आ रहे हैं। हाउएवर एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं तो वहां पे 10 मीटर के अंदर ही डिस्टॉर्शन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज आप याद रखना है, क्योंकि 10-15 मीटर जो रेंज ब्रांड क्लेम करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होती है। ऑडियो क्वालिटी वन ऑफ द हाइलाइटिंग पार्ट इस ईयरफोन्स का, 13mm ऑडियो ड्राइवर्स ये यूज कर रहे हैं, ACSBC कोरेक का सपोर्ट आपको मिलता है, बोट सिग्नेचर साउंड, ऑडियो प्रोफाइल काफी रिच है एंड इसी टाइप से इनकी आउटपुट भी आपको देखने मिलती है। वेल कंपेयरिंग विद अदर ईयरफोन्स इन द सेम बजट, यहाँ पे आपको थोड़ा डीप बेस मिल जाएगा और क्लैरिटी लेवल पे भी आपको उतना कम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलेगा एंड यह परफेक्ट फॉर इंडियन म्यूजिक, जहां पे आपको जस्ट बेस ये थम्पी डीप बेस वो यहाँ पे अवेलेबल है एंड आप इसको जस्ट फॉर म्यूजिक भी प्रेफर कर सकते हैं, नो डिपेंड डील। एप सपोर्ट कोई नहीं मिलता तो हर फीचर फंक्शनैलिटी आपको ईयरफोन से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी म्यूजिक प्लेन पोज हो या फिर आपका ANC मोड हो, जो कि 5-7 दिन लगते जरूर है यूज होने में कि किस बटन पे क्या फंक्शनैलिटी आपकी मिलती है, बट एक बार यूज होने में आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं एंड कोई दिक्कत नहीं होने वाली हो। बोट की काफी ईयरफोन्स हैं जो कि 32 dB की एक्सटर्नल नॉइज कैंसिलेशन के साथ आते हैं, 1500 rupees के बजट में आपको देखने में जा रहे हैं, तो हमने वो चीज चेकआउट की एंड या ANC लेवल वेरी बेसिक है, अगर आपको बेसिक ANC चाहिए 1500 rupees के अंदर तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी बोट के ईयरफोन्स प्रेफर कर सकते हैं, ANC या एम्बियंट मोड को लेकर कोई भी इतना मेजर डिफरेंस वहां पे नहीं आता। ANC तो चलो एक बार के लिए हम चला लेंगे भाई, 32 dB में क्लेम करने के बाद जितना भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो लाइक ओके 22-25 dB आपको मैक्स टू मैक्स फील होगा, उससे ज्यादा फील नहीं होगा, बट एम्बियंट मोड इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गिमिकी एंड रोबोटिक साउंड करता है एम्बियंट मोड अगर आप यूज करते हो, वो एक्चुअली वोकल्स को या फिर जो नॉइसेस हैं इंपॉर्टेंट वाली उनको उतना एनहेंस नहीं करता है, वो थोड़ा सा लाइक डिफरेंट साउंड करता है, नॉट लाइक नेचुरल। अब गेमिंग का पर्सपेक्टिव क्या है, कैजुअल गेमिंग आप करेंगे TWS को लेके, कोई प्रोफेशनल लेवल गेमिंग तो करने नहीं वाले, अब वहां पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए 40ms से 50 है 65 है, जी हाँ अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं थोड़ा सा टाइम पास से हटके आप गेमिंग करते हैं देन वो चीज आप लोग के लिए इफेक्टिव हो सकती है, बट 65ms लेटेंसी इज ओवरऑल ओके, ज्यादा कोई बेटर एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, टाइम पास गेमिंग ही आप कर पाएंगे। मूवीज या फिर वीडियोस देख रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट कोई लेटेंसी को लेके झंझट नहीं है एंड कोई भी आपको गेम मोड या फिर कोई और चीज एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे सही मिलने वाले हैं, मतलब लेटेंसी नहीं है
ड्यूरिंग वीडियोस एंड मूवीज। बैची बैगअप वाला पार्ट ब्रांड यहाँ पे क्लेम कर रहा है 60 आवर का मैसिव बैटरी बैकअप एंड 60 आवर में से 10 आवर पर ईयर फोन पे आपको मिल जाएगा बैटरी बैकअप। बट वहां पे काफी बड़ा कैच है, 10 आवर क्लेम जरूर कर रहा है बट एट 50% वॉल्यूम लेवल एंड विदाउट एएनसी। अब एएनसी यूज करेंगे, 100% वॉल्यूम लेवल यूज करेंगे तो वहां पे जो बैटरी बैकअप आपको हार्डली 4 to 5 आवर के बीच में देखने मिलेगा एंड वो टेस्टेड है। मैक्स टू मैक्स मेरे को जो रिजल्ट मिले 4.5 आवर थे जब मैंने इसको एएनसी एंड 80 to 90% वॉल्यूम लेवल पे यूज किया, 100% भी यूज नहीं किया, तो वहां पे काफी बड़ा डिप आपको देखने मिलता है एक्चुअल क्लेम में। ऐसा नहीं है यहाँ पे चार्जिंग स्पीड काफी इंप्रूव आपको देखने मिलती है। ईयरफोन्स को चार्ज करने में 1 आवर का टाइम लगता है एंड केस को चार्ज करने में आपको 2 आवर का टाइम लगता है विच इज मोर देन नॉर्मल जो बोट ऑफर कर रहे हैं। नॉर्मल आपको 35 to 45 मिनट देखने मिलता है चार्जिंग टाइम ईयरफोन्स का एंड 1.5 आवर आपके केस का, बट यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। सो व्हाट अबाउट द आउटडोर कूलिंग एक्सपीरियंस? इनिशियली काफी बेहतर कूलिंग एक्सपीरियंस था, माइक्रोफोन अपग्रेड की एंड इम्प्रूव की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली थी, बट वो डिपेंड कर रहा है आप किस टाइप के इन्वायरमेंट में। अगर आप 80 to 100 dB इन्वायरमेंट में, मतलब जहां पे पब्लिक ज्यादा है, भीड़ ज्यादा, क्राउडेड प्लेस है, तो वहां पे ये माइक्रोफोन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको काफी चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ेगी। बट अगर आप रूम में हैं, ज्यादा आपका बाहर का काम नहीं है, प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप लाइक नॉर्मल पीस से भी बात करेंगे तो भी सामने वाला सुन पाएगा। बट माइक्रोफोन डेफिनेटली इस बजट में बिलो एवरेज आपको देखने मिलते हैं, काफी और ईयरफोन्स हैं जो कि इनसे बेटर माइक्रोफोन प्रोवाइड कर रहे हैं। माइक्रोफोन का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, कितने कैंसिल आउट करता है, कितना कैंसिल आउट रीजन बताता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को। तो लेने का रीजन साउंड क्वालिटी, बेसिक लेवल ऑफ एएनसी एंड बैटरी बैकअप अगर आप कंसिडर करना चाहें आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है इसको लेने के लिए। अब ना लेने के पॉइंट की लिस्ट काफी बड़ी है। पहला रीजन इसकी बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म में आपको स्क्रैचेस तो थोड़ा कम देखने में मिलेंगे बट जो बिल्ड है वो काफी बेकार है, इनर डिटेक्शन अभी भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड थिंग माइक्रोफोन क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क। फोर नॉट फॉर गेमिंग, लेने के फेवर में 3 पॉइंट, ना लेने के फेवर में 4 पॉइंट, तो आप डिसाइड कर लो ये आपको लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। इनसे बेटर है एक ऐसे फोन लो जो कि आपको बजट में वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, लाइक AirDrops 300 या फिर AirDrops Supreme। सो ये था हमारी वीडियो के लिए गाइस लॉन्ग टर्म रिव्यू। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, इन केस वीडियो पसंद आई कमेंट कर दो, लाइक कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।